हालांकि ये सही है कि सभी को हेल्थ चाहिए और ये हमारी भी जिम्मेदारी, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि पूरा जो समाज है स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या है कि उसके लिए बजट तो एलोकेशन करती नहीं है। अभी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो चाह रही है कि अपना एलोकेशन हटाकर वो डॉक्टर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दे कि सभी को, अच्छा प्राइवेट डॉक्टर्स इसमें देखो को 3A एक जो हेल्थ है कि एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए और हर आदमी के लिए होना चाहिए, एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। जबकि उसके गवर्नमेंट यूँ मानो कि जिसका इलाज 1 करोड़ रुपए में होना चाहिए, गवर्नमेंट उसने 10,000 रुपये दे रही है, कैसे एक्सेप्टेबल है वो? किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं, सभी हॉस्पिटल तो वैसे ही मारे जाएंगे। ये मानो कि ये सरकार इस एक्ट के तहत लीगली भी सभी की हत्या करना चाह रही है। जब हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा? तो राइट टू हेल्थ का मतलब ही नहीं रहा भाई। गवर्नमेंट को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करने हैं तो वो वैसे ही बंद बोल दे कि भाई बंद कर दो, उसके हॉस्पिटल में अपने आप चले जाएंगे। नहीं, अभी जो वित्त बजट के अंतर्गत जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो हाँ जिले बनाने की हैं, चाहे फ्लैगशिप योजना है, चाहे राइट टू हेल्थ है, क्या ये सारी चीजों से लेकर के सरकार कहीं रिपीट करेगी या सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर काउंट होने वाला है? सर, ये बहुत बड़ा फेल्योर नहीं, एक तरह का ये स्कैम है, एक पॉलिटिकल स्कैम है। गवर्नमेंट को पता है कि आगे आए नहीं आए, आगे आएगी तो फिर अलग योजना, केवल घोषणाओं करने में कुछ नहीं जाता है, घोषणाएं तो कर सकती है ना। अब कोर्ट ने हालांकि इसके ऊपर एक संज्ञान लिया है कि कोई भी अपना जो मेमो होता है उसमें अगर आगे से इस तरह की घोषणाएं देते हैं रिटर्न में, अगर रिटर्न में इस तरह की घोषणाएं देते हैं तो उनके लिए भी उनको अकाउंटेबल माना जाएगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई रूल रेगुलेशन हुए नहीं है तो गवर्नमेंट अपने आप घोषणाएं कर देती है, उनको क्या लेना देना है। अब आप देखिए 19 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या गवर्नमेंट के पास बजट है? पंजाब के पास सेकंड जो हालत ख़राब है, और राजस्थान स्टेट की है नेट में इतना ज़्यादा, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए, जिला अस्पताल बने हैं लेकिन डॉक्टर की संख्या आधी भी नहीं है, और रूल रेगुलेशन इतने बना रहे हैं कि आप ये दीजिए ये दीजिए। तो ये गवर्नमेंट का टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल पॉलिटिकल फेलियर है। और गवर्नमेंट उसको दबाने के लिए क्या, डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि जिसने अपना हॉस्पिटल बना लिया वो जा नहीं सकता कि उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट को पता है कि ये अगर ज़्यादा करेंगे तो हम उनको दबा भी सकते हैं, और ये मामला सेंसिटिव है, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी कहेगा आप तो मरीजों को दबा रहे हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हड़ताल जो है ये अनिश्चितकालीन रहने वाली है, क्या आप मानते हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता है, जब तक ये सब कंटिन्यू सर रहेगा? श्योरली हम निश्चित रखेंगे, और इसमें हम आगे भी देखेंगे इस तरह का, देखेंगे जो जो पूर्व मरीज हैं उनके लिए भी हम कुछ करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल बंद रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें गलियों में मरीजों को देखना पड़े और कहीं देखना पड़े, धर्मशालाओं में जाके देखना पड़े, लेकिन हम हमारी हड़ताल ये अनिश्चितकाल तक रखेंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल तो वैसे ही मर चुके हैं, तो वैसे ही हम कहाँ जाएंगे। थैंक यू।